तो इन दिस क्वेश्चन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज गिवन, जो कि आया है 10 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अपन ने क्या किया है, ऑब्जर्वेशन को फिर से चेक किया और ये पता किया कि जो 8th नंबर की ऑब्जर्वेशन है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, ठीक है, तो 8th नंबर की नहीं है, जो 8 ऑब्जर्वेशन है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो अपन को अब क्या करना है, करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है दो केसेस में। तो सबसे पहला केस ये है कि जो रॉन्ग आइटम है, मतलब जो ऑब्जर्वेशन 8 है उसको हटा दिया गया है। इस केस की अगर बात करें तो अगर मैं रॉन्ग डाटा देखूं, रॉन्ग डेटा, तो रॉन्ग डेटा अपने पास है n इज इक्वल टू 20। ठीक है, और एक्स आई यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है वो है 8 और अपन ने क्या किया है, इसको ओमिट कर दिया है। ठीक है, इस केस में अगर अपन मीन की बात करें तो पहले का मीन अपन को कितना दिया है, 10। तो जो रॉन्ग मीन आ गया वो है 10। ठीक है, और रॉन्ग स्टैंडर्ड डेविएशन है 2। ठीक है, तो अगर मैं करेक्ट मीन की बात करूं तो देखो अपन सबसे पहले तो क्या फाइंड करेंगे, करेक्ट सम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट सम कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 अप टू n, यानी कि इनकरेक्ट सम। ठीक है, इनकरेक्ट सम कितना हो जाएगा, तो इनकरेक्ट सम हो जाएगा मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 10 इंटू 20 जो कि हो जाएगा 200। अब करेक्ट सम की बात कर लेते हैं, तो करेक्ट सम कितना हो जाएगा, तो करेक्ट सम हो जाएगा, देखो पहले 200 था। ठीक है, अब उसमें से 8 अपन ने हटा दिया है, तो ये हो जाएगा 200 माइनस 8 जो कि आ जाएगा 192। अब देखो अब हुआ क्या है, अपन ने एक ऑब्जर्वेशन ही हटा दी है, तो नंबर ऑफ आइटम कितने हो जाएंगे, 19। तो करेक्ट मीन कितना आ जाएगा, करेक्ट मीन तो ये हो जाएगा 192 अपॉन 19। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 10 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये आ जाएगा 10.1 के समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन निकाल ही लेते हैं, तो ये आ जाएगा 10.105। ठीक है, तो ये आ गया 10.105। ठीक है, तो ये करेक्ट मीन आ गया। अब वो करेक्ट स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन देख लेते हैं अपन। तो देखो करेक्ट स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले अपन वेरिएंस देखते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन, इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, अगर इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है 2, तो इनकरेक्ट वेरिएंस कितना होगा, इनकरेक्ट वेरिएंस हो जाएगा 4, जस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इनकरेक्ट स्टैंडर्ड वेरिएंस 4 है तो ये निकाला कैसे होगा, इनकरेक्ट डाटा से निकाला होगा। तो इनकरेक्ट डाटा यानी कि सम ऑफ एक्स आई का स्क्वायर फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 अप टू n अपॉन इनकरेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस इनकरेक्ट मीन का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इनकरेक्ट एक्स आई का होल स्क्वायर निकालेंगे। तो इनकरेक्ट समीशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो n 20 था पहले, माइनस इनकरेक्ट मीन था अपना, इनकरेक्ट मीन कितना था 10, तो ये हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर विच इज फर्दर इक्वल टू 100 और ये आ गया अपना 4। ठीक है, तो इनकरेक्ट एक्स आई का होल एक्स आई का समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर कितना आ गया, फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 अप टू n, तो ये आ जाएगा 104 इंटू 20 जो जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2080। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, अगर अपन करेक्ट की बात करें तो करेक्ट समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर होगा क्या, फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 अप टू n, तो देखो इसमें से अपन ने क्या किया है, एक ऑब्जर्वेशन वो हटा दी है, कौन सी ऑब्जर्वेशन, कौन सी थी 8, तो अपन को 8 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। 8 का स्क्वायर अगर अपन माइनस करेंगे तो, और कुछ अपन ने ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस होगा। ठीक है, तो 2080 में से अगर अपन 64 को हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा,
2080 माइनस 64 विच इज फर्दर इक्वल टू 2016, ठीक है। तो ये आ गया अपना करेक्ट एक्स आई स्क्वायर। अब अपने पास करेक्ट एक्स आई स्क्वायर है, तो अगर अपन करेक्ट वेरियंस निकालें, करेक्ट वेरियंस, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, तो ये जाएगा 2016। एन क्या हो गया अपना 19, माइनस करेक्ट मीन क्या आया था अपना, करेक्ट मीन आया था 10.105 आया था आई थिंक, हाँ 10.105 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया अपना करेक्ट वेरियंस, ठीक है। तो इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 106.105 माइनस 10.105 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर अपन सॉल्व करें का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 10.105 का होल स्क्वायर। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 3.99 समथिंग, ठीक है। तो यही आएगा 3.99, ठीक है। अब ये तो हो गया करेक्ट वेरिएंस, अब अपना करेक्ट स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन कितना होगा, करेक्ट स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन तो ये होगा करेक्ट वेरिएंस का अंडर रूट, हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3.99 जो कि आएगा 1.997। तो दिस आर रिक्वायर्ड आंसर।